हेलो फ्रेंड्स, रुपम खाना खजाना में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बच्चों से लेकर बड़े तक सभी की फेवरेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की केक की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसे बनाने के लिए ना ही हम किसी आटे, मैदे या फिर कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करने वाले हैं और ना ही इसे बेक करने के लिए अवन या फिर स्टीमर का यूज़ करेंगे। बहुत ही ईजी एंड डिफरेंट तरीके से हम इस केक को बनाएंगे और एकदम झटपट बनेगा और गारंटी है बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो बिना किसी देरी के आज की शानदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम सूजी का केक बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब सूजी ली है। इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल बारीक वाली सूजी का यूज़ करना है, मोटे दाने वाली सूजी को अवॉइड कीजिएगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब फेटी हुई दही। दही को मैंने अच्छे से फेट लिया था, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 4 चम्मच के करीब घी। घी डालने से हमारे केक में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आएगी और साथ ही साथ इसका टेक्सचर भी बहुत स्मूथ बनेगा। आप चाहे तो इसकी जगह बटर या फिर किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों को ही हमें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। यहाँ पर मैंने नॉर्मल शुगर ली है। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर है तो आप डायरेक्टली उसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नॉर्मल शुगर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पतला करने के लिए इसमें हल्का सा मिल्क ऐड किया है। वैसे आप जितनी केक की स्वीटनेस रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, शुगर जो है लिक्विड फॉर्म में तैयार है। अब हमें इसे केक वाले बैटर में ऐड कर देना है और साथ ही साथ ऐड करना है 1/2 कप मिल्क। मिल्क आपको सारा एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि आपको बैटर की कंसिस्टेंसी पर भी ध्यान देना है। अब इन सभी को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ बिना किसी झंझट के, ताकि आप झटपट बना सके। तो ये देखिए, इसे हमें ऐसे ही फेटते रहना है। वैसे मैंने आप सभी के साथ इससे पहले आटे के केक की रेसिपी भी शेयर की हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे भी एक बार वॉच ज़रूर कीजिएगा। सूजी और आटे का केक बनाना बेहद ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वेराइटी का केक लेके आऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लिया है और जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमें इसे ढककर 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। प्रॉपर 20 मिनट के बाद हम प्लेट को हटाकर देखेंगे और जैसा कि आप सब देख सकते हैं बैटर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इसे हम एक और बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इस बैटर को सिर्फ 10 मिनट के लिए भी रेस्ट पर रख सकते हैं। तो बैटर हमारा यहाँ पर तैयार है। अब हम अपने लास्ट स्टेप को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का मोल्ड लिया है। आपके पास कोई सा भी केक मोल्ड हो या कोई सा भी बर्तन हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस पर ऑयल ग्रीस कीजिए और हल्का सा आटा छिड़क दीजिए ताकि केक जो है वो चिपके ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो केक का बैटर है वो तो पूरी तरीके से तैयार है, बट हमें इसे सॉफ्ट एंड स्पंजी भी तो बनाना है। तो उसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ईनो। ईनो इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ईनो का यूज़ किया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसमें ईनो ऐड कर दें, उसके बाद आपको बैटर को बिल्कुल भी रेस्ट पर नहीं रखना है, डायरेक्टली इसे शिफ्ट कर देना है केक मोल्ड में और इसे कुछ इस तरीके से 1 से 2 बार टैप कर लेना है। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलमंड्स। आप इसकी जगह किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें चेरी, चोको चिप्स, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पर आज हम किसी भी ओवन या स्टीमर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है जो ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में होती है। इसमें मैंने ऐड किया है नमक। नमक का कलर आपको इसलिए चेंज लग रहा है क्योंकि मैं इस नमक को बार बार यूज़ करती हूँ बेक करने के लिए, और जैसे ही ठंडा होता है इसे स्टोर करके कंटेनर में रख लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टैंड लिया है। इस कढ़ाई को मैंने पहले से ही लो फ्लेम पर प्रीहीट करके रखा था। अब सिंपली हम केक मोल्ड को इस पर ऐड कर देंगे और इसे एक प्लेट से अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहे तो लिड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टीम बिल्कुल भी पास नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और केक को पकाने के लिए मैंने अभी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। 30 मिनट्स के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी ताकि केक जले भी ना और अंदर तक अच्छे से पक जाए। इस केक को पकने में 50-60 मिनट्स का समय लगेगा। वैसे आप इसे एक बार बीच में चेक कर सकते हैं। तो 40 मिनट्स बाद मैं प्लेट को हटाकर देखूंगी और जैसा कि आप सब देख सकते हैं केक जो है काफ़ी हद तक पक चुका है। साइड से इसका कलर ब्राउन हो गया है
एंड बीच से भी काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। तो एक बार हम इसमें टूथपिक ऐड करके देखेंगे, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारी टूथपिक ऑलमोस्ट क्लीन निकली है। दैट मीन्स हमारा जो केक है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो इसे मैं अलग से एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद हम अपने केक को डीमोल्ड करेंगे। केक को डीमोल्ड करना बेहद ही आसान है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। पहले मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से साइड से रिलीज़ कर रही हूँ, उसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी। डायरेक्टली इसे हम टर्न कर देंगे, एक से दो बार हम केक मोल्ड को टैप करेंगे और इसे हटा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट एंड स्पंजी केक हमारा तैयार है। इसका कलर कितना परफेक्ट आया है इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। अब आप भी बिना किसी झंझट के घर में ही रखिए कुछ इंग्रेडिएंट से, बिना किसी ओवन बिना किसी स्टीमर के इतना सॉफ्ट एंड स्पंजी केक तैयार कर सकते हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस देखिए, इतना फ्लफ़ी केक बना है। एक बार मैं आपको इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ, और ये देखिए यहाँ से भी इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप इस तरीके से सूजी का केक बनाएंगे तो फॉर श्योर आपका केक एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हर बार वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। आप 2 से 3 सेकंड निकालकर सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मैं आपसे ज़्यादा लाइक्स नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ एक लाइक एंड एक शेयर ही मांग रही हूँ। और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं आपका वेलकम है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो फिर मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।